हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानने वाले हैं कि पर्वतमाला क्या है, पर्वत श्रृंखला क्या है, और अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है कि कैसे परिभाषा दिया जाए, तो आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद परिभाषा भी दे सकते हो कि पर्वत श्रृंखला क्या है या पर्वतमाला क्या है। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देख सकते हो अभी आप लोग के सामने ये एक पिक्चर है, इसके थ्रू हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। यहाँ पर हमारा उत्तर दिया हुआ है जो कि आप लिख सकते हो। पर्वतमाला या पर्वत श्रृंखला पर्वतों की एक श्रृंखला होती है। श्रृंखला मतलब सजा हुआ, ठीक है, किसका, तो पर्वतों का। मान लो पर्वत जो है ये ऐसे 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 होना चाहिए, ठीक है, सजा हुआ होना चाहिए। हो सकता है पर्वत ऐसे हो ऐसे हो, तो ये पर्वत श्रृंखला होगी नहीं। एक पर्वत दूसरे पर्वत से सटा रहता है, ये पर्वत चिपका हुआ नहीं है, तो ये पर्वत श्रृंखला नहीं है। लेकिन ये जो है ये पर्वत श्रृंखला है। ठीक इसी तरह से यहाँ पर देख सकते हो, ये दोनों सटा हुआ है, पर्वत श्रृंखला है। ये तीनों पर्वत श्रृंखला नहीं है क्योंकि ये यहाँ से अलग हैं। ये तीनों पर्वत भी अगर कहीं से पिक्चर निकालोगे तो देखोगे आपस में चिपके हुए हैं, तो ये तीनों भी पर्वत श्रृंखला हैं, ठीक है, ये तीनों भी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, ठीक है। अब इन पर्वतों को कोई दर्रा या घाटी ही दूसरे से अलग करती है। यहाँ पर गैपिंग है। क्यों गैपिंग है? हो सकता है यहाँ पर सड़क बना हो सकता है यहाँ पर नदी बहती हो, जिस तरह से ये बह रहा है। तो जब रोड बना हो तो इसे हम दर्रा कहेंगे, और जब इस तरह से नदी बना हो, आसपास पेड़ पौधे हो, तो इसे हम लोग घाटी कहेंगे, ठीक है, समझ रहे होगे। अब यहाँ पर आगे हम लोग जान लेते हैं, पर्वत श्रृंखला में यह आवश्यक नहीं कि इनकी ऊंचाई या भूविज्ञान समान हो, इसे ही पर्वत श्रृंखला या पर्वतमाला कहते हैं। ये जो पर्वत है इसकी ऊंचाई कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसा है एक इतना ऊंचा भी हो सकता है, एक इतने से ऊंचा भी हो सकता है, तो इसकी ऊंचाई का कोई ठिकाना नहीं है। जैसे यहाँ पर देख सकते हो ये ऊँचा है, ये छोटा है, ये छोटा है, ठीक है, बट है तीनों पर्वत श्रृंखला। और इसका जो मिट्टी के गुण होते हैं, यानी कि हो सकता है इसके में कुछ और मिट्टी हो, इसमें कुछ और मिट्टी हो, इसमें कुछ और मिट्टी हो, तो उससे भी हमको लेना देना नहीं है। बस ये तीनों सजा हुआ होना चाहिए, एक दूसरे से चिपके हुए होने चाहिए। जैसे ये दोनों चिपका हुआ है और एक लाइन से है, ठीक इसी तरह से ये तीनों भी आपस में चिपके होंगे और एक लाइन से हैं, जो कि हमको यहाँ पर रहेंगे तो हम लोग को देखने को मिलेगा, तो पता चलेगा। ये फ्रंट साइड से फ़ोटो तो ये दोनों का दिख रहा है, ठीक इसी प्रकार ये तीनों भी पर्वत हैं। ये बहुत ऊँचा पर्वत है तो यहाँ पर बर्फ जम गया है, ठीक है, तो इसे ही हम लोग पर्वत श्रृंखला कहते हैं, जब जो तीनों आपस में चिपका हो, यानी जो पर्वतें जो हैं आपस में एक दूसरे से चिपकी हो और एक लाइन से हो, सजी हुई हो, तो उसे ही हम लोग पर्वत श्रृंखला कहेंगे। और इसे ही हम लोग पर्वतमाला भी कहते हैं, जिस जो माला की तरह गूथा होता है। जैसे आप लोग देखते हो माला बना हुआ है, तो यहाँ पर फूल है, यहाँ पर फूल है, यहाँ पर फूल है, सजा हुआ रहता है, ठीक इसी तरह से अगर ये भी सजा है तो इसे हम लोग पर्वतमाला कहेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद।